रेसिपी के चैनल में स्वागत है आपका। आज पंजीरी सीख रहे हैं। जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्म। तो देखिए, ये मैं पहले दिखा दे रही आपको। ये आटा है, एक कटोरी आटा लिया, उसके जस्ट आधा घी लेते हैं। जितना एक कटोरी आटा लेंगे उसका आधा घी लेंगे। ये देखिए घी गर्म हो रहा है। घी में ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अभी बहुत खोल गर्म नहीं है, मध्यम आंच में है। ये देखिए डाल दिया। इसको हल्का सा करेंगे और बस तुरंत इसमें ये आटा डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके का हो गया और इसमें तुरंत ही आटा डाल देंगे। उसमें चिरौंजी और गरी है। मैं पंजीरी में कसी हुई गरी, कद्दूकस करी हुई गरी और चिरौंजी डालती हूँ। आप इतना ले लीजिए कि एक टेबल स्पून गरी कद्दूकस करी हुई और आधा टेबल स्पून चिरौंजी ले लीजिए। अब इसको धीरे धीरे भूनेंगे जब तक लाल नहीं हो जाए। चारों तरफ ध्यान रखिए, नहीं जिधर आपने नहीं चलाया उधर ही जल जाएगी। ये जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में जरूर सभी के यहाँ ही बनता है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, सभी जगह बनता है। सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और मंदिरों में प्रसाद के रूप में भी मिलता है। दोस्तों, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता। देखिए गोल्डन ब्राउन होने को है और जब तक अगर गोल्डन ब्राउन नहीं होती है, पंजीरी सफ़ेद सफ़ेद रहती है, तो मज़ा भी नहीं आता खाने में। कि देखिए, और दूसरा आप देख रहे होंगे कि भी मैंने चीनी नहीं मिलाई है। और ये देखिए आटा अलग अलग बिल्कुल होने लगता है, फिर चिपकता नहीं है। जिस चीज़ से आप चला रहे हैं, करछुल से या जिस चीज़ से भी चला रहे हैं, उसे चिपक, ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई साफ सी दिखेगी। अब हो गई दोस्तों, गैस बंद कर देते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद चीनी मिलाएंगे। और एक सीक्रेट भी है जिसको अभी मैं बताऊंगी। दोस्तों 10 मिनट हो गए। सीक्रेट ये है कि मैं इसमें पिसी चीनी नहीं डालती, मैं इसमें बूरा डालती हूँ। मार्केट में मिल जाता है, मॉल में मिल जाता है। ये आधी कटोरी है आटा, एक कटोरी था यही वाला, तो ये बूरा आधी कटोरी डालते हैं, आधी कटोरी घी और आधी कटोरी बूरा। अब इसको मिला लेंगे, बस पंजीरी तैयार है। भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद ग्रहण करिएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको पता चले मैं कौन सा और वीडियो डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, पंजीरी तैयार हो गई। ये देखिए, अब बस इसमें तुलसी की पत्ती रह गई जो प्रसाद चढ़ाते समय डाली जाएगी। बाकी तैयार है। ये देखिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।